पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, नवादा में कल देर शाम, देर रात आप कहिए, जिस तरीके से एक दुखद घटना को अंजाम दिया गया, ये दुखद घटना को कुछ लोगों ने, वहाँ के दबंग लोगों ने 50 से 60 दलितों के घर जला दिए गए। हालांकि प्रशासन कह रही है कि उन लोगों की जांच जारी है और 10 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं विपक्ष इस पर लगातार हमलावर है, कह रहा है कि 50 से 60 नहीं, 100 घर कम से कम जलाए गए हैं। और अब इस पर तमाम NDA की प्रतिक्रिया आ रही है। देखिए, जितन राम मांझी काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। जितन राम मांझी का बयान आपको सुनाएंगे। जितन राम मांझी का जो दुख है वो उनके चेहरे पर दिख रहा है और साथ में नाराजगी भी जाहिर हो रही है। जितन राम मांझी ये कह रहे हैं कि पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें 12 लोग यादव हैं। मतलब यादव लोग कुछ वहां के लोगों को अपने बस में करके उनको आगे बढ़ा के और जमीन हड़पने के चलते ऐसा काम किए हैं। जितन राम मांझी ने सीधे सीधे यहाँ यादवों का नाम ले लिया है और ये कह दिया है कि इस पूरी घटना को अंजाम जो दिए हैं वो कहीं ना कहीं यादव ने इन पूरी घटना को अंजाम दिया है। जितन राम मांझी ने यह भी कहा कि मुसहर जो है, वहाँ पे चमार जो है, ये लोग को लोग अपने वश में कर लेते हैं और अपने वश में करने के बाद उनकी जमीन, उनका घर हड़पना चाहते हैं, इस कारण से उन्होंने ऐसा किया। देखिए, नवादा में कल घटना घटी, अब इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जो पुलिस भी है वो लगातार जाँच में जुड़ी हुई है। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी और किस तरीके से अपना दुख बयां कर रहे हैं, आप खुद चल के सुनिए जितन राम मांझी का ये बड़ा बयान। नवादा में मुसहर और चमार जाति के लोग बरसों से एक जगह पर रह रहे हैं। दुसाद जाति के भी लोग वहां पर रह रहे हैं, लेकिन यही विरोधी दल के लोग और खास करके जो यादव समाज के लोग हैं, वे लोग जमीन के ये में एकाध दुगो दुसाद जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है, जिसका प्रमाण यह है कि पुलिस जब पकड़ाधरी किया है तो 12 को यादव ही लोग पकड़े गए हैं। तो इससे साबित यही हो रहा है कि समूचे बिहार में वो लोग अभियान चला रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट जी जमीन पर रह रहा है तो, न रह रहा है तो, सब जमीन को अपना कब्जा में लेकर के उसको अपना मकान बनाते हैं या बेचते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सर, ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन के लोग ये तोहमत लगा रहे हैं कि दलित नेता कुछ बोल नहीं रहे हैं। दलित नेता है कौन? दलित नेता जितन मांझी क्या नहीं है? दलित तो शुरू से बोल रहा है। विधानसभा में जब विधानसभा के सदस्य थे उस समय भी हमने कहा था कि बिहार में 70% परमाना पर्चा का जमीन है, एक पार्टी विशेष के लोगों के कब्जे में है, कब्जा किया जा रहा है, उस पर सरकार ध्यान दे। तो जब बिहार विधानसभा में जीतन मांझी बोल सकता, तो जीतन मांझी तो दलितों में भी सबसे दलित आदमी है जो उसने कहा है, तो इस बात का तो लोगों को समझदारी होनी चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।